number one. ये रूल्स आपको समझ में नहीं आएंगे ज्यादा, यानी जब एप्लीकेशन करने लगेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। आपको 10-15 मिनट मुश्किल हो गई, नींद भी आ सकती है, बेशक सो जाना। पहले जो दो चीजें हैं वो आपको फिर भी काफी अच्छे समझ में आएंगे, पूरी तरह तो नहीं लेकिन बाकी को ज्यादा समझ में आए होंगे। उसका रीजन ये है कि देयर ऑलरेडी कॉल कर, ठीक है। पहला रूल है 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस स्किल सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। पहला जो हाउस है वो बॉडी है, दूसरा हाउस 12th हाउस जो है उसका वो डेथ है। तो बॉडी का तो 12th का 12th क्या है 11th, तो दैट इज गेन। 12th इज लॉस, 11th इज लॉस ऑफ द लॉस। 11th का 10th क्या है, 11th क्या गेन, तो 10th क्या हो जाएगा लॉस। 10th तक कर्म तो नो हो जाएगा, भाग्य नो भाग्य तो आठ दुर्भाग्य, ठीक है। इस तरह से सारे इस पे अभी इतना लंबा नहीं जाते, इवेंट पर इवेंट चले जाएंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद है सेकंड फर्स्ट हाउस फ्रॉम एवरी हाउस स्किल सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। अपने घर से 12वां घर घर के महत्व को नष्ट करता है। सर आपना हिंदी बुलवा लिया हो गया, ठीक है पॉजिटिव। सेकंड हाउस टू एवरी हाउस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। अपने घर से दूसरा घर घर के महत्व को बढ़ाएगा, वो घटाएगा ये बढ़ाएगा। तीसरा है दशा इज स्ट्रॉन्गर देन मुक्ति, मुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। मुक्ति मतलब अंतर दशा, अंतर जो यहां मैंने लिखा दैट मीन्स प्रति अंतर दशा। दशा अगर किसी चीज को मना कर रही है तो अंतर दशा नहीं करा सकती, अंतर मना करा रहा है तो प्रत्यंतर नहीं करा सकती। दशा मना कर रही है तो अंतर हा भी कर रहा नहीं करा सकती, तो हमें नगली दशा पे जाना। दशा हा कर रही है अंतर मना कर रहा है तो फिर नेक्स्ट अंतर पे जाना। दशा ने भी ओके कह दिया, अंतर ने भी ओके कहना, तो फिर प्रत्यंतर जो बढ़िया होगा उन दशा अंतर प्रत्यंतर में काम होगा। मना कैसे करती है वो भी हम समझा दूंगा, या हाँ कैसे करती है वो इंडिविजुअली। चौथा है सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन द प्लैनेट। सब लॉर्ड आई होप एवरीबॉडी नोस, जिनको नहीं मालूम प्लीज पूछ ले। नहीं मालूम और किसको नहीं पता सब सर आपको पता पे कर दे। बोर्ड पे करो आपको पता सर सब दिखाई। ये जो बुक हो गई इसमें एरीज आप खोल लीजिए, पीछे सबसे पीछे अनक्षर के अंदर ये इसमें लिखा होगा टेबल में नंबर वन सीरियल नंबर वन। इसके बाद क्या मार्स, इसके बाद क्या लिखा ये लिखा है सीरियल नंबर वन। सीरियल नंबर वन इज ये है कि जो लॉर्ड है एरीज का दैट इज मार्स। पहला नक्षत्र कौन सा होता है अश्विनी,
तो 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगाशिरा निद्रा पुनर्वसु पुष्यामी किस किस को याद है? वेरी गुड वेरी गुड, किसी को याद नहीं है, दिस इज वेरी गुड, नहीं याद करनी है। अगर कोई 5-7 याद भी है जैसे मुझे याद है भूल जाना है, आपको याद रखना है 5-7 तो याद है भूल जाएगा प्लीज। आपको याद रखना है कि फर्स्ट इज केतु, फिर वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंचोपी सर, समझ रहे ना? आपको यही है कि पहला केतु है 0 से 13-20, दूसरा 13-20 से 26-40, फिर टॉरस में चला जाएगा, ऐसे करके 9 नक्षत्र हैं जो 4 राशियों में खप जाते हैं, फिर वो 9 फिर रिपीट होते हैं, फिर वो 9 फिर रिपीट होते हैं, ठीक है? जो पहला नक्षत्र होगा उसके अंदर 9 सब लॉर्ड है, दूसरे नक्षत्र में भी 9 सब लॉर्ड है, तीसरे में भी 9 सब लॉर्ड है। पहला जो नक्षत्र है सर अश्विनी केतु का जो है उसके अंदर 9 सब लॉर्ड है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ठीक है? तो पहला जो नक्षत्र है उसके अंदर 9 सब लॉर्ड है, केतु, वीनस, सन, मून एटसेट्रा। दूसरा जो नक्षत्र है, पहला जो हो गया ये एरीज है, तो अभी मैंने पढ़ा था आपको, इतना याद नहीं होगा, उसका जो लॉर्ड है वो मार्स होगा, अभी आपको इतना याद नहीं। एरीज के बारे में, देयर 22 सब लॉर्ड्स। तो पहले जो केतु है, केतु स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री या वीनस शुरू हो जाएगा 13-20 को, ये स्टार्टिंग डिग्री है, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है? तो पहला जो है केतु का 0 to 46 मिनट 40 सेकेंड्स, दूसरा वीनस का है 46 मिनट 40 सेकंड to 3 डिग्री, ये पार्ट है 360 डिग्री के अंदर। तो 360 डिग्री में पहला जो सब लॉर्ड है वो 46 मिनट 40 सेकंड का, दूसरा 46 40 से 3 डिग्री है, फिर सन आ जाएगा 3 से 3:40, तो सन जो है सिर्फ 40 मिनट का, ओनली 40 मिनट्स। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, डिग्री में भी 60 मिनट होते हैं, ठीक है? और उसमें 60 सेकंड होते हैं एक मिनट के अंदर, जैसे डिग्री मिनट सेकंड होते हैं वैसे ही राशि, सॉरी डिग्री मिनट सेकंड होते हैं वैसे ही डिग्री मिनट सेकंड, नहीं जैसे आवर मिनट सेकंड होते हैं वैसे डिग्री मिनट सेकंड, आवर्स मिनट सेकंड होते हैं वैसे डिग्री मिनट सेकंड। तो ये इस तरह से 9 सब लॉर्ड होंगे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, 9 हो गए। फिर उसके बाद वीनस का जो नक्षत्र है उसमें वीनस से शुरू होगा, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, फिर केतु पे खत्म हो जाएगा, रहेंगे 9 के 9, ऑर्डर वही रहेगा, फिर सन है ऑर्डर वही रहेगा, स्टार्ट सन से होगा, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, ठीक है? तो 9 × 27 देर आर 243 सब लॉर्ड्स, देर हाउ मेनी सब लॉर्ड्स? सर 12 राशियों के अंदर जो है 12 राशियों के अंदर 243 हो गए, 9 से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अलग है, आप लोग हर एक का नाम नहीं है, 22 नहीं है, नहीं हर एक 27 × 9 हो गया, इट इज 243। आप पाइसिस में एंड जाके देखोगे तो 249 हो जाएंगे, 249 के हो जाएंगे, अभिजीत नक्षत्र भी आ जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होती, कौन सी ओवरलैपिंग होती है सर? कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, देयर इज नो नक्षत्र कॉल्ड अभिजीत नक्षत्र, दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग अस। 27 पूरे तो हो गए, आप कौन सा आ गया इसमें, कौन सा आ गया बेमतलब? अभिजीत आ गए ना, दोबारा से पकड़ना सर इसको, एक मिनट, एरीज पे आ जाओ, लास्ट सब लॉर्ड कौन सा? टॉरस पे आ जाओ, पहला सब लॉर्ड कौन सा? तो आधा इधर रह गया, आधा उधर चला गया, ठीक है? लास्ट सब लॉर्ड कौन सा है टॉरस का? पहला कौन सा है? लास्ट कौन सा है उसका? जेमिनी का मून, फिर मून ही शुरू होगा। तो ये जो है जो सब लॉर्ड के सीरियल नंबर
छह बदल जाते हैं एक एक के बाद एक। सबलॉट 243 रहते हैं लेकिन छह जो सबलॉट्स हैं आधे इधर रह जाते हैं आधे उधर रह जाते हैं, इसलिए जो सीरियल नंबर है वो 243 है, सबलॉट 243 है। सर क्या है कि ना पहला जो सब लॉर्ड है जो आखिरी जो सब लॉर्ड है इसके अंदर वो श्रेणी का सर राहु का आधा राहु इधर आ गया आधा उधर हो गया, तो ये सब लॉर्ड तो एक ही रहेगा लेकिन सीरियल नंबर बढ़ जाएगा तो दो जगह में आ गया ना, इधर ये शनि है ये तो पूरा ही खत्म हो गया, आगे ये मून है ये आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया, तो एक राशि छोड़ के एक राशि में वो आधा आधा जाता, तो छह नंबर्स बढ़ जाते, सब लॉट 243 ही रहते। ये बड़ा झगड़ा होता है उनके फोरम्स के ऊपर, वो मेरे पे बड़ी बात करते हैं फोरम के ऊपर, इसको पता ही कुछ नहीं मालूम नहीं है, कौन बताएगा 249 कैसे, क्योंकि दे डोंट नो स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हु आर फाइटिंग ऑन द फोरम्स ऑफ फेसबुक, उनको मालूम नहीं है, लिख के उनको दे नहीं सकते, ऐसा होता है क्योंकि वो फिर लड़ेंगे, वो लड़ते रहते हैं, देखे हो गया तो होते हो, उनका काम लड़ना है, पढ़ना ही पढ़ने का मेथड ये जो हम बैठ के अपना इसको सीख रहे हैं वो उस पर नहीं, ठीक है। तो देयर आर 243 सब लॉट्स इन टोटल, इसमें आधा नहीं पूरा हो नहीं नक्षत्र में तो उधर चला जाता है ना, डिग्रीज की वजह से, डिग्री की वजह से, क्योंकि वो तो पड़ा है लेकिन उनकी जगह ही खत्म होगी तो बेचारा आगे जाएंगे, ठीक है। अब आप वो जो है कमरा था 10x10 का, आप कालीन ने आए 10x11 का, तो वो दूसरे कमरे में घुसे हैं ना इस कमरे। अब ये जो सब लॉर्ड है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कोई प्लेनेट किसी अगर डिग्री पे होता है तो वो अपने सब लॉर्ड के रिजल्ट देगा, अपने रिजल्ट नहीं देगा। जैसे इस समय पे आप कहां से आ रहे हो सर? मैं पटियाला से। आप पटियाला से आ रहे हो, आपके पटियाला के रिजल्ट खत्म हो गए, आप क्या काम करते हो? आपका जॉब गवर्नमेंट जॉब का काम खत्म हो गया, ज्योतिष का काम लेकिन ये सबलॉट हो गया, लेकिन ये आपको मोहाली तो आना ही पड़ेगा, वो नक्षत्र हो गया, तो आपको पटियाले से यहाँ आने के लिए मोहाली के रिजल्ट भी करने पड़ेंगे और अल्टीमेट रिजल्ट लेगा, ठीक है। तो ये मतलब है सबलॉट का कि प्लेनेट सबलॉट के रिजल्ट क्यों देगा। इस समय पे आप जॉब में क्या करते हो? आपके वो वाले अब रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है ना, हुआ जब आप वहां चले जाओगे वो वाले रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जब आप अपनी सीट पे बैठे वो सबलॉट तब हो जाएगी आपकी, जब उस सबलॉट पे बैठोगे मतलब उस सीट पे बैठोगे तो वो रिजल्ट आएगा, इस सीट पे बैठोगे तो ये रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आपके बदलते जाएंगे। घर में जाओगे तो फिर आपको मैंने कुछ नहीं कपड़े धोने, वो तो हम सबके रिजल्ट लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज के रिजल्ट, मैं हंसने वाली बात नहीं होती, सीरियस बात। एक घर का कोई रिजल्ट नहीं है, सेवंथ हाउस का क्या रिजल्ट है? सेवंथ हाउस में मैरिज भी है, पार्टनरशिप भी है, बिजनेस भी है, कौन सा वाला रिजल्ट आएगा यू डोंट नो। तो वो जब हाउस किसी और हाउस के साथ लिंक होगा तब रिजल्ट। अब इसके अंदर जो ये थर्ड और फोर्थ जो रूल है ये इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए होते हैं, 1, 2 का 5 जो है ये फार्मूला बनाने के लिए होते हैं, इवेंट का फार्मूला बनाने के लिए होते हैं। इवेंट का फार्मूला कैसे बनता है? वैसे तो बने हुए हैं लेकिन समझाना जरूरी होते हैं, वो जमीनी हकीकत को देख के हम बनाते हैं वैसे का वैसे। अब इसको कैसे यूज करते हैं गो विद दैट। अब आपको समझ आने लगे, तो एक इवेंट ले लेते हैं मैरिज, तो इसमें नो मैरिज की दोनों के फॉर्मूले बता दें, फॉर्मूला बनाना मैरिज का, तो इससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मैरिज। अरे मैडम बताइए व्हाट इज मैरिज? इट्स रिलेटेड टू द सेवंथ हाउस। नहीं, मैरिज होती क्या है? पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप हो जाती है, मतलब अगर आप दोनों मिलके मैं मेल हूँ आप फीमेल है, हम दोनों मिलके एक किराने की दुकान खोलते हैं, पार्टनरशिप। अच्छा, किराने की दुकान इट इज अ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्ड बिटवीन टू टू पर्संस मेल एंड फीमेल फॉर लॉन्ग लाइफ। और अगर लॉन्ग लाइफ हम किराने की दुकान चलाएं तो रात को आप बैठ जाना 24 घंटे की दुकान 12 घंटे आप बैठ जाना 12 घंटे में शादी हो जाएगी। कौन सा फेरी को उसका बॉन्ड है सर आप बता दें आप म्यूचुअल कंसेंट नहीं सर आपके तो बाल भी नहीं रहे अब तो बता दो यार सबसे ज्यादा हमें कभी आग लग रहे हो सर यार इसमें रिलेशनशिप हो दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप और रिलेशन तो भाई बहन में और लव कैसे फिजिकल एंड इमोशनल बोथ रिलेशन इमोशनल जनरेशन गुड रिलेशन गुड रिलेशन पता इधर को नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा होता है यू डोंट नो दैट दैट मींस जनरेशन जनरेशन तो पैदा होती है शादी करने की जरूरत है शादी के लिए जैसे संपत्ति अपनी आगे बढ़ानी संपत्ति फिजिकल एंड इमोशनल मैं इसको आपके लिए थोड़ा सॉल्व कर सॉल्व कर दो आपके लिए टू पर्सन स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर विद द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी समाज के आशीर्वाद के बिना काम नहीं होता दो आदमी जो है दो लोग जो है इस समय पे शादी की बात कर रहे हैं तो दो लोग जो है एक फैमिली का निर्माण करते हैं और समाज जो है वो लिफाफा लेके जो आता है वो उस संबंध को मान्यता देने के लिए आता है ठीक है तो खन्ना अगर लड़की होती है चड्डे से शादी हो जाएगी तो वो हो जाएगा मिस्टर एंड मिसेज चड्डा ठीक है ना तो क्या बनाएंगे वो फैमिली तू ठीक है फैमिली बनाएंगे संबंध जो आप कह रहे हो वो संबंध एक फैमिली बनेगा वो कोई और मिस्टर एंड मिसेस बन जाएगा मिस्टर एंड मिसेस खन्ने ने शादी करने चड्डे से तो मिस्टर एंड मिसेस चड्डा फैमिली का गेम लेकिन समाज की अभी नहीं समाज की भी स्वीकृति चाहिए अगर फैमिली का गेन है तो इट इज लिव इन रिलेशनशिप हालांकि इसमें लव जरूर आएगा बिना लव के कौन रहेगा लव का भी मैंने फार्मूला बताया नहीं बट इज लिविंग रिलेशनशिप साथ जो है इसमें सोसाइटी ब्लेसिंग जरूर चाहिए सो 2711 इज मैरिज एक्टिवेशन ऑफ दिस थ्री हाउसेस गिव्स राइज टू मैरिज सातवें हाउस कुछ नहीं देखना सातवें हाउस का काम तो सिर्फ लिफाफा देना है लिफाफा देकर चले गए काम खत्म हो गया तो काम ही कुछ नहीं है सहमत हो मैरिज में सहमत हो तो काम ही कुछ नहीं है ठीक है अब आ जाते हैं नो मैरिज जैसे मैंने कहा था दशा मना करती है तो फिर अंतर दशा देखेंगे तो मना कैसे होगा ये नो मैरिज का क्या समझ में आएगा इसके 12th 1, 6, 10 नो मैरिज भी है और डिवोर्स भी है एक ही कॉम्बिनेशन है डिवोर्स कैसे होगा अब क्या होता है खन्ने की खन्ना जो लड़की थी उसके शादी चड्डे से हुई थी तो क्या हुआ था ना 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 अब उसको फील हो रहा है मैं तो चड्डी हो गई अब तो फीलिंग ही डिफरेंट हो जाएगा आई मैं तो चड्डी हो गई अब मैं नहीं रहती इसके साथ अब क्या होगा वो सिंगल होना चाहती सिंगल होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको समाज के पास में आके नहीं होगा कहाँ जाएगी वो कोर्ट ये जज की स्टैंड है एडमिनिस्ट्रेशन जब तक मानेगा नहीं तब तक डिवोर्स नहीं होगा ये समाज का काम ही इधर जज का काम है इधर समाज का काम एंड ये जो मैंने दोनों आपको डेफिनेशन बताई है दे आर ट्रू फॉर ऑल कास्ट क्रीड कल्चर मुसलमान का भी काजी उसको गवर्नमेंट ने वो डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है पावर दे रखी
ज्ञान जज को दे रखी है, उसके जज को दे रखने की बजाय काजी को दे रखी है। ये मैरिज का, ये नो मैरिज का, अब वो चट्टी से खन्ना हो जाएगी वापस, जब सिंगल हो जाएगी। तो 1610 इज ऑल्सो डिवोर्स, 1610 इज ऑल्सो नलीफाइंग दी लाइफ। इसके बाद है कि 12 घर में से 3 घर ये हो गए, 3 घर ये हो गए, 6 घर हो गए जो मैरिज को हाँ कहते हैं या मैरिज को ना कहते हैं। बाकी 6 घरों का क्या लेना देना है जो सॉरी मैरिज से, वो बात कर रहे थे। 5 और 9 ये इसके दोस्त हैं, 1-6-10 के, सॉरी 2-7-11 के दोस्त हैं, फ्रेंड्स फैसिलिटेटर्स। इसके दोस्त क्यों हैं कि 5 जो है लव है, लव 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 लव, नो है वो क्या है, भाग्य, ठीक है ना। तो ये भाग्य है, ये लव है, तो ये तो इसके दोस्त ही होंगे। फिर 2 हाउस हो रहे हैं 8 और 12, वो इसके भी दोस्त है उसके भी दोस्त है, थाली के बैंगन, जिसके साथ होंगे वैसे हो जाएंगे। थाली के बैंगन का क्या मतलब है, कौन सा वाला बैंगन, कौन सा बैंगन, जिधर पलड़ा कौन सा वाला बैंगन है, लंबे वाला या गोल वाला, गोल वाला, वेरी गुड वेरी टाइट। तो थाली का बैंगन इधर उधर क्यों जाता है, उसका नेचर है। तो व्हेन 2711 इज विद 8, 8-11 का मतलब होता है डाउरी, 8 इज डाउरी, 11 इज गेन, ये हो जाएगा गेन ऑफ डाउरी। तो डाउरी भी मिलेगी उसके भाई, ये है कि 2711 इज पिज्जा, 8 इज कैप्सिकम पिज्जा, उसके साथ एक और एडिशनल फीचर डाल गया बस। मेन तो चीज 2711 ही देखनी है, 8 अकेला शादी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं शादी से, वो तो उसको साल में करा देगा। 12 क्या है, एक्सपेंडिचर या लग्जरी, मतलब एक्सपेंडिचर धूमधाम से जाते हैं, पटाखे मिले। 1-10 है तो क्या है, डिवोर्स, दिस इज डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट। इसके बाद 8 जुड़ जाएगा तो डाउरी, कहां डाउरी चलेगी, डाउरी प्रॉब्लम, स्त्री धन परेशानी में। अब यहाँ डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, तो N610 के साथ 8 होगा, डिस्प्यूट्स विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स इन मैरिज ड्यूरिंग डिवोर्स, ठीक हो गया। और 12 जो होगा धूमधाम से म्यूचुअल कंसेंट से नहीं होगा, बस फुल टू फुल एक्सपेंडिचर की जगह 12 एक्सपेंडिचर है, ये अब लॉस। मैंने कमीज खरीदी लेकिन कमीज मेरे मन माफिक नहीं थी तो लॉस हो गया, खर्चा तो नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर चापा जब वो मेरे को भाई वो नहीं है। इस तरह से जनानी जब हम पैसा खर्चा किया और कहाँ ले गए, स्विट्जरलैंड, और नहीं भाई वो जो 12 एक्सपेंडिचर लॉस में जाने लग जाएगा, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर 125 CRPC, 406 IPC, 498 सब लगेंगे। ये 1-6-10 जो है डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, ये 1-6-10 विद ऑल टाइप ऑफ लिटिगेशंस एंड बिकरिंग्स, झगड़े तकलीफ। 3 और 4 जो है दे आर न्यूट्रल्स टू मैरिज, इनका कोई लेना देना नहीं होगा इससे, टोटल तौर न्यूट्रल्स, एक्स्ट्रा चीज कह सकते हैं बस, और कुछ एक्स्ट्रा चीज इन द पिज्जा। ये पिज्जा, ये अनियन पिज्जा, ये कैप्सिकम पिज्जा, ये डिवोर्स, वो डिवोर्स का झगड़े, उसके बाद पिज्जे के ऊपर टॉपिक्स, ठीक है। ये अब कैसे 12 के 12 घरों को हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ये मैंने बता दिया, लेकिन ये यूज कैसे होंगे ये गेम अप मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर 2-6-11 एक्टिवेट हो तो हम घर से भाग के शादी करेंगे, ये घर से भाग के शादी करने के लिए तो सर कार चाहिए या ऐसे थोड़ा भाग, मतलब दो फैमिली शादी तो करा ले, तुझे बताने की पड़ी है यार, तो प्लीज एक्स्ट्रा चीज होगी ना, ये
एक्स्ट्रा चीज है, तो पहले मोहब्बत करनी पड़ेगी, दोनों मोहब्बत करें, फिर भागने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि या तो खप बन जाएगा, अगर भागने की जरूरत पड़ गई तो खप बन जाएगा, या तो खप बन जाएगा, खप के आस पास के बंदे, ये हो गया टाइप रेस्पिनेशन, या आउट ऑफ कास्ट स्ट्रीट कल्चर का पंगा, वही पंगा तो है जो भागने की जरूरत पड़ गई, तो क्या जरूरत पड़ेगी भागने की, तो वो भगा देते हैं, लेकिन पहले शादी कराएंगे फिर भगाएंगे। एक धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हद से गुजरना, तो पहले ना सिंपल मैरिज पे चल जाते हैं, फिर इसके बाद मैरिज के साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। लव मैरिज, लव आफ्टर द मैरिज, लव के कई प्रकार हैं, फिजिकल लव, स्कैंडलस लव, प्लूटोनिक लव, हिडन लव, मल्टीपल लव, एल्डर एज, यंगर एज, आउट ऑफ कास्ट कल्चर, फॉरेनर, वो भी करते शादी करते हैं। और आप अपना जो है ना फोन नंबर दे देना पड़ जाएगा, आपको बता देंगे आपके मन मन में क्या क्या भावनाएं हैं, उनको बता भी देंगे। भागने भागने की बातें करते हैं, ये जो 1610 आपने कहा था डिवोर्स के लिए, जी सर, क्योंकि डिवोर्स के लिए जाना भी एक डिजायर है, तो उसमें 11 डिजायर नहीं है, डिजायर नहीं होती सर, उस समय तो डिजायर बन जाती है। नहीं, मैं डिसएग्री नहीं करता आपकी बात से। फिर क्या है कि शादी तो मेरी होनी है, 2711 के साथ फिर बन भी आना चाहिए, उधर भी तो बन आना चाहिए, तो कई बार कोर्ट मैरिज होती है, फिर 2796 भी आना चाहिए, तो देयर आर सो मेनी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यू कैन थिंक, आई कैन थिंक, सो मेनी पीपल कैन थिंक ऑफ, बट विद द टाइम वी हैव गॉट द एक्सपीरियंस दैट इट्स दिस इज द मतलब मोस्ट करेक्ट मेथड, एंड वी हैव टू डू इन द मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कोई कितने बढ़ा देंगे तो उसमें होगा, ये जवाब है सर इसके बाद, ऊपर मैं कुछ ज्यादा सेटिस्फाइंग जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। जो डिवोर्स से पहले डिजायर थी वो शादी होने की, राइट, तो वो 11 आ गया शादी पे, और डिजायर की वो एक तरीके की निगेशन हो गई, तो फिर वो 10 आ गया, वो तो हमने बात करी थी, लेकिन एक बात और भी है, 1611 का मतलब डिफरेंट होता सर, इसका मतलब एक्चुअली बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये बिल्कुल डिफरेंट मतलब है। एक तो बात हो गई, ये मतलब मैरिड लाइफ तो डिजास्टर हो गई, क्लियर, 1610 तो डिजास्टर हो गया, मतलब मैरिड लाइफ तो डिजास्टर हो गया, लेकिन एक बंदा सोशल वर्क में बहुत आगे निकल जाता है, इसमें क्या डाइवोर्स होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 11 बचता है, वो 2711 का दोस्त है, तो ये अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है, जैसे किरण बेदी है, तो ये क्या आप IAS IPS रही, IPS के बाद अब क्या करिए, सोशल वर्क की करनी है सर, मैरिड लाइफ तो नहीं एंजॉय करी सर, मतलब मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो शी इज अवे फ्रॉम दी हस्बैंड, इसको अन्ना खाना ना खाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन हस्बैंड खाना खाए ना खाए कोई मतलब नहीं होता है, इनको फीलिंग ही नहीं आती हस्बैंड, अन्ना में बड़ी फीलिंग आती है, ये बेचारा कुंवारा है, इसकी कौन बेचारा है, वो मेरा हस्बैंड तो ब्याह हुआ है, बड़ी अजीब सी बात थी। 1610 एक वन सेल्फ का बड़ा होता है, मैं, मेरा, मुझे, वो बड़ी बड़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो 1610 तभी सर डिवोर्स तभी होता है जब बंदा सेल्फ की सोचने लग गया, दो मियाँ भी लड़क लड़के भी एक दूसरे का सिर पाड़ के भी इकट्ठे रहना चाहते हैं, ऐसी भी सिचुएशन है, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो 1611 डिफरेंट होता है, अभी उसमें जब पॉलिटिक्स में आएंगे तब इसको आप करेंगे तो और मजा आएगा, जरा जरा से नंबर इधर उधर होने में बड़ा कुछ फर्क हो जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है।
ये लगन चार्ट है, ये इसको कहते हैं निरायण भाव चरित्र। राशि चार्ट, दिस इज द हाउस चार्ट। राशि चार्ट समझते हैं कि प्लैंड कौन सी राशि हो गया ना, तो आप पहले बनाना भी जानते हैं जिन्होंने बनाया। चलित चार्ट आप लोगों को बनाना नहीं सिखाते, एक सिखाते जरूर है वो आपका ही का श्रीपति मेथड का सिखाते हैं, पता नहीं आपको सिखाया नहीं सिखाया नहीं पता नहीं सिखाते हैं। वो उसमें क्या लेते हैं ज़ोडियक इज अ सर्कल, बट एक्चुअल में ज़ोडियक इज नॉट अ सर्कल, ज़ोडियक इज एलिप्टिक। तो ये जो मेथड से बना हुआ है ये वैसे बताता हूँ आपको, ये प्लेसिडस सिस्टम से बना हुआ है, इसको प्लेसिडस सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर हम जो ज़ोडियक है उसको एलिप्टिकल ले रहे हैं, वैसे ही ले रहे हैं जैसे केपलर्स लॉ के हिसाब से। आप जानते हैं तीन प्लेनेट, नौ प्लेनेट है, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी। अब मैंने तीन प्लेनेट की डिग्री लिख दी है 2317, मून की 2552, मार्स की 5/28, ठीक है। इसको लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है, कौन से सवर्ण में है, वो आप टेबल से पता कर सकते हैं। प्रवीण जी आप अगर खोलेंगे बुक, मैडम आप बुक खोल लेंगे तो आप वो पता कर देंगे। ये आप ना बाद में लिख लीजिएगा, मैं आपको समय दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सन की डिग्री देखनी पड़ेगी, वो तो लिखी है। सन को आपको टॉरस में देखना पड़ेगा, टॉरस की टेबल खोलेंगे आप। टॉरस के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि 23 डिग्री 17 मिनट्स का आया, 23:17। तो ये हो गया 22:40 से 23:20 के बीच में, तो इसके सामने कौन सा सवर्ण है, इसके सामने कौन सा नक्षत्र है, ठीक है। तो कौन सा सवर्ण है सर, सन इज द सवर्ण एंड मून इज द नक्षत्र, ठीक है। 22:40 23:20 इसके बीच में ही 23:17 होगा, तो इसके सामने देख लीजिए सन है और जो नक्षत्र है वो मून है, थोड़ा सा रहेगा इसमें आगे जो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपको समझ आएगा। अब मून है 2552 इन एक्वेरियस, तो आपको एक्वेरियस खोलना पड़ेगा, एक्वेरियस का पेज खोलना पड़ेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा 2552 की तरफ आता है। एक्वेरियस 2546 से तो केतु इज द सबलॉर्ड एंड जुपिटर इज द नक्षत्र। अब मार्स 528 ये मैंने केतु और ये जुपिटर, मार्स जो है 520 मार्स वर्गो, मार्स जो है वो ये राजी वर्गो में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। सारे ऐसे ही बन जाएंगे, तो डिग्रियां देखनी है सर। मैं डिग्री किस किस की देखी सर, सभी की, सन की भी देखी, मून की देखी, मार्स की देखी, राहु की देखी, जुपिटर की, सब की देखी। इन सब की ही क्यों देखी हमने, वो सर नौ ही तो प्लैनेट है सर, सबकी डिग्री देखनी है, सभी की देखनी है। उनको देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र सब लॉर्ड में, क्योंकि मेरा जो पहले जो मैंने काम किया है वो मैंने फार्मूला बनाने के लिए किया, उसमें मैंने रूल 1-5 लगाए थे। 5 नंबर रूल था कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज के रिजल्ट, वो लगा दिया 2-7-1-6 तो
रूल नंबर वन लगाया, 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल्स सिंगल, रूल नंबर टू नहीं लगाया। अब मेरे को टाइमिंग करनी है मैरिज की, अब मेरे को रूल नंबर थ्री और फोर लगेंगे, दशा भूति अंतर सबलौ नक्षत्र ग्रहण, तो पहले मैं नक्षत्र और सबलौ बना रहा हूँ तभी तो उसको लगाऊंगा। ये जुपिटर राहु मरकरी, तो ये सबके नक्षत्र सवलट हो गए, एन एस एन एस एन एस, ये नक्षत्र ठीक है, ये सबके नक्षत्र सवलट हो गए। मैं डालता हूँ आपको कंफ्यूज करेंगे, अब ये आद हो गया, अब करूं क्या इसका क्वेश्चन, ये आंसर सिंपल कि प्लैनेट्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्डशिप, प्लैनेट अपनी पोजीशन और लॉर्डशिप के रिजल्ट देंगे, ठीक है, पोजीशन और लॉर्डशिप का रिजल्ट देंगे। वीनस है, यहां से देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, वीनस कहां बैठा है, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, राइट हैंड हाउस, ठीक है, what we will write, write 3, 5, Venus की placement लिखेंगे, placed in the third house, lord of 5 and 10, जिनका मालिक है, ठीक है, नहीं नहीं आप मत करो, आप सुन लो, समझ लो, फिर उसके बाद मैं टाइम दे दूंगा, बाद में दो मिनट लगेगा, कोई बात नहीं। मार्स इज प्लेस्ड इन 8th हाउस, लॉर्ड ऑफ 4 एंड 11, Jupiter is placed in the first house, lord of 12th and 3. Saturn is placed in 7th house, lord of 1 and 2. Sun kya ho gaya? 5 and 8, Mercury 4, 6, 9, Moon, Two and 7. जो 2711 है उनको ग्रीन कर दिया, जहां 1610 है उनको मैंने रेड कर दिया, बाकी ब्लैक छोड़ दिया जो न्यूट्रल से, ठीक है, दिस इज व्हाट आई डन। अब राहु केतु छूट गए, ठीक है ना, राहु केतु का कैसे करना, राहु एंड केतु गिव रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, दे आर कंजॉइंड विद aspected by lord of sign position, ये राहु किसके साथ कंजंक्ट है, राहु का लेंगे, राहु किसके साथ कंजंक्ट है, राहु इज कंजंक्ट विद नो प्लैनेट, राहु इज aspected by मार्स, मार्स का गैप 4-8 ग्यारह,
राहु किसके साइन में बैठा है? राहु कहां बैठा है? राहु, रिपीट कर रहा हूँ, राहु किसके साथ कंजंक्ट है? We have to see from here. सुन लीजिए, पहली चीज राहु किसके साथ कंजंक्ट है? किसी के साथ। लगन में देखना है, एस्पेक्ट लगन में देखना है, किस साइन में बैठा है लगन में देखना। फोर्थ जो चीज है पोजीशन, विच दैट वी हैव टू सी फ्रॉम हियर। फर्स्ट थ्री थिंग्स, कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड लॉर्ड ऑफ साइन, वी हैव टू सी फ्रॉम द लगन चार्ट। और ये उसके बाद चौथी जो पोजीशन है, वी हैव टू सी फ्रॉम द चरण चार्ट। तो ये हो गया 1 2 3 4 8 11 हमारा, तो ये हो गया 3 4 8 12 2 11 और 1। अब केतु का देखेंगे, केतु क्या हो गया, किसके साथ कंजंक्ट है केतु? मार्स के साथ। कौन देख रहा है केतु को? केतु किसी को नहीं देख रहा, केतु को कोई नहीं देख रहा। केतु कौन से साइन में बैठा है? मार्स का 4 8 11, मरकरी का 4 6 9 और केतु की पोजीशन जो है वो 8 था। तो 4 6 8 9 11 केतु हो गया 4 8 9 6। राहु एंड केतु दोनों की जो पोजीशन है, वो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, वो चार प्रकार से आते हैं, वो चार चीजों के रिजल्ट हैं। एक तो अपनी पोजीशन पे, एक जिसके साथ वो युति में हुआ, एक जो उसको दृष्टि कर रहा होगा, और एक जिसके वो राशि जिसके घर में बैठे। तो पहले देखना राहु किसके साथ बैठा। राहु अकेला, राहु को मंगल देख रहा, तो राहु मंगल के रिजल्ट देगा। राहु जुपिटर की राशि में बैठा, जुपिटर रिजल्ट देगा, और राहु दूसरे घर में बैठा। अब मंगल के क्या रिजल्ट आएंगे, जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए, जुपिटर के रिजल्ट हमने ऑलरेडी बनाए हुए, तो ये सबका टोटल कर देंगे। सेम इज विद केतु। केतु किसके साथ बैठा? मंगल के साथ। केतु को देख कौन रहा है? कोई नहीं। केतु वर्गो में बैठा है, मरकरी के। तो ये हो गया 4 6 8 9 11, उसका 8 हमने पोजीशन मिले। ये केतु कैसे है जुपिटर के नीचे जो 2 लगा है? ये सब पोजीशन है राहु। अच्छा, ये फोर्थ जो पॉइंट पोजीशन है पूरा पोजीशन है। तो पहली जो तीन चीजें हैं वो हमने लगन से लेंगी, और बाकी जो लास्ट वाली उधर से, जो कंजंक्शन एस्पेक्ट्स जो होते हैं, दे आर फ्रॉम साइन टू साइन, नॉट हाउस टू हाउस, देयरफॉर द लगन चार्ट इज टू बी सीन, राइट। तो ये हो गया 1 2 3 4 8 12 11 बना राहु का, 4 6 8 9 हो गया केतु का। अब जो है, जैसे मून 2 7 है, तो यहाँ भी मून 2 7 ही रहेगा, यहाँ भी मून 2 7 होगा, यहाँ भी मून 2 7 होगा, वीनस 3 5 10 ही होगा हर जगह। अभी हमारे पास बन गया, जो भी इसके जिस्त है वो सारी की सारी इधर आ गई।
ठीक है। अब वी हैव टू एनालाइज दी हॉरोस्कोप, उसका जो रूल है वो बड़ा सिंपल रूल है जो हमारे एडवांस में पहला रूल क्या था, स्प्राइट हुआ है प्यास बाकी सबको पास, दूसरा है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना हद से गुजर जाना, तीसरा है टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप डू नॉट सी द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप को देखने के लिए हॉरोस्कोप नहीं देखना, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जनानिया कौन से चैनल देखती है सर। और बताइए सर आप ज्ञानी सबसे पहले आप बताइए। बोलो मैडम आप बोलो सर। कौन से स्टार प्लस और सोनी है सोनी सोनी हाँ जी आप बताइए। फूड कोर्ट फूड 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 वो जो जिन्होंने रोटियां बनानी हो उनकी नहीं बनती नहीं जो भी है हाँ जी मैडम आप बताइए। फेलर्स और लाइफ ओके सीखो तुम तो बाहर रहते हो घर से पीछे क्या हो रहा है घर में आपको पता ही नहीं कर रहा चैनल चल रहा ठीक है। जनानियां वो चैनल देखना पसंद करती हैं जिसके अंदर क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी जैसे टाइप के चैनल है वो ज्यादा है, कभी कभी वो फूड फूड चैनल लगा लेते हैं, नहीं तो फूड फूड चैनल तो वो मम्मी के घर पे होता है, मम्मी कितने नमक पावा में मम्मी से बात कर करके भरजाई से बात करके वो तो फूड फूड चैनल तो आपस में जनानियों का चैनल होता ही, आपस में जनानियों के चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, टीवी पे जो चैनल है उसकी बात कर रहा हूँ। एक है कलर्स एक है लाइफ, तो आपने सिर्फ अब कलर्स और लाइफ ओके देखा। If color is green, then life is okay. If color is red, life is not okay. जो भी यहाँ पर planet है, जिसके अंदर red color है, वो negative है शादी के लिए। जिसमें red है, वो negative है। जिसमें green है, वो positive है। Simple सी बात है। इसमें तीन color बना दिए हमने, एक black, एक red और एक green. Black is neutral, जो हमने बनाया था अभी कि 2711 is green, 1610 is red. 2711 is marriage, 1610 is no marriage and divorce. बाकियों को हम न्यूट्रल छोड़ देंगे। 3, 4, 8, 12, 5, 9 ठीक है। अब हमें केतु में देखना है कौन सा कलर्स है। ग्रीन है या रेड है ज्यादा ग्रीन लाइफ इज ओके तो ग्रीन इसमें केतु इज पॉजिटिव फॉर मैरिज। अब आपको समझ आने लगे ये बना कैसे ये आपको नहीं समझ में आएगा मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका बेसिक बिल्कुल नहीं है लेकिन अब आपको समझ में आने लग जाएगा। प्रेडिक्शन आप सीख सकते हो आपको ज्योतिष पढ़ने की कोई जरूरत नहीं ज्योतिष में प्रेडिक्शन के लिए ज्योतिष जो नहीं पढ़ता उसके लिए ज्योतिष में प्रेडिक्शन करना सबसे आसान है क्योंकि उसमें हॉरोस्कोप नहीं देखते ठीक है सब कुछ इसी में देखना है नंबर से इधर रेड है या ग्रीन है या ब्लैक है ग्रीन ज्यादा है वो काम हो जाएगा रेड है वो नहीं होगा ब्लैक है वो भी सकता है और वीनस ग्रीन है रेड है ब्लैक है लाइफ ओके या लाइफ नॉट ओके वीनस डिनाइज मैरिज सन अच्छे से समझ सकते हैं जैसे ये प्लेनेट है ये नक्षत्र है ये सब लॉर्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये उससे कम स्ट्रॉन्ग है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये उससे कम है ये उससे ठीक है। अब ये समझ लो ये है बेटा ये है पापा ये है मम्मी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं घर में ठीक है ना। अब बेटा शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है होगा हाँ और ना दोनों
पापा बोलते कर ले बेटा, मम्मी भी कहते कर ले तो हो जाएगी। अब यहाँ क्या बच्चे को शादी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, पापा करवाना चाहते हैं, मम्मी अब पापा के तरीके से चलेगी। इधर सभी पॉजिटिव है, ये 50-50 है, कुछ तो हाँ कह रहा है, ये न्यूट्रल बैठे, ये 50-50 ऐसा है, ये 100% ऐसा है, 100% ऐसा है, या ना बेटा करना चाहता है, ना पापा इंटरेस्टेड है, ना मम्मी इंटरेस्टेड है। अब मंगल पे आ जाओ, बेटा करना चाहता है, मम्मी नहीं करवाना चाहती, पापा के पास की छोड़ो पापा के पास। सिंपल। अब यहाँ क्या है कि बेटा करना चाहता है, ये पॉजिटिव। राहु इज स्ट्रॉन्गर देन सन, जिस ग्रह को सुबह शाम गाली देते हैं जोशी, वो पॉजिटिव। जो बढ़िया ग्रह है जीरो हो गया, जोशी देखते भी नहीं, इसमें शादी हो जाएगी, बच्चे जाओ वो कराने को तैयार नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं मरकरी, बेटा करना चाहता है, मम्मी कराना चाहती है, लेकिन मम्मी के मन में भी डाउट तो जरूर है, तो इसका मतलब मरकरी इज वेरी वीक। आप देखो मरकरी इज इवन वीकर देन सन, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रेड तो है, उसके अंदर दो ग्रीन है, लेकिन इसमें भी दो ग्रीन है, इसमें थोड़ा रेड। बट राहु एंड केतु आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट चेक कर सकते हैं। दिस स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट इज रिलेटेड टू मैरिज ओनली, जिनकी मैरिज मैरिड लाइफ अच्छी होती है उनकी जरूरत नहीं प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो किरण बेदी, जरूरी नहीं कि उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स हो रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किरण बेदी को कभी कोई समस्याएं नहीं पैदा हुई होगी, बट जिस लेवल पे आप रहे हैं through all life in professional life, that is extraordinary, and your work has been always extraordinary, not only been hailed by your department, you are hailed by everybody in the country. Is tarike se Sonia Gandhi married life Yuvraj, Lalu hai to Rabdi, Yuvraj hai to Thaini, se Yuva hai, Yuva hai। ज्यादातर आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती, बहुत कम लोगों को। लालू के इतने बच्चे पैदा हो कैसे वो पता नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो सकती, उसका रीजन है कि आप बिग सोशल लाइफ। तो लालू जी अपनी वाइफ के पास समय नहीं निकाल सकते, वाइफ के पास समय निकाल क्योंकि कोई ना कोई आया बैठा रहे सालों से फुर्स नहीं। ठीक है, जितना आपका प्रोफेशनल लाइफ ऊपर होगी, मतलब इफ यू आर अ बिग बिजनेसमैन और यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईएएस आईपीएस एक्सेट्रा और यू आर पॉलिटिकल लीडर, मैरिड लाइफ भूल जाएगी, फॉरगेट इट। नेहरू जी, गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, जो भी ले लो आप, इंदिरा गांधी, पटियाले के बंदे आप मेरे से सवाल पूछ रहा है, मतलब कमाल हो गया, पटियाले के राजा के बारे में आपको कुछ पता नहीं। पटियाला का राजा किस चीज के लिए मशहूर है, किसके लिए मशहूर है, वहां आप रहते हो पूछते मेरे से, मतलब कमाल कर, शादी और मतलब ये मैरिड लाइफ की बात, मैरिड लाइफ में कहीं भी हमने फिजिकल रिलेशन की बात नहीं की, मैरिज इज स्टार्टिंग ऑफ अ फैमिली टुगेदर विद द कंसेंट ऑफ सोसाइटी, में सेक्सुअल लाइफ की बात ही कहां है। आपने लव स्टोरी पिक्चर देखी होगी, लव स्टोरी पिक्चर कैसे खत्म होती है, एंड में एंड का सीन क्या है, सर शादी हो जाती है, उसमें खत्म हुई लव स्टोरी। कमाल की बात है, अजीब बात करते हैं, लव स्टोरी खत्म होती, शादी हो गई, लव स्टोरी खत्म।
लव स्टोरी होती है आपने सारी मूवी, वो हीरो जो है वो गरीब घर का है, हीरोइन जो अमीर घर की है, हीरो हीरोइन का बाप नहीं चाहता उसके शादी हो, फिर एक गाना होता है, फिर उसके बाद वो हीरो हीरोइन से नाराज होकर चला जाता है, फिर एक वो जो है वो गाना वाला दूसरा वाला गाना गाता है रोता धोता वाला, और हीरोइन भी वो विरह का गाना गाती है, फिर वो विलन आ जाता है, फिर वो एक माता का गाना होता है, फिर वो विलन के यहाँ एक कैबरे होता है या फिर एक गुजरा होता है, फिर उसके बाद दोनों मिल जाते हैं, लास्ट में वो विलन पकड़ा जाता है और लव स्टोरी खत्म हो जाती है, उनकी एंड में शादी हो जाती है, यही है ना। जुपिटर कैसा सर, बेटा कराना चाहता है शादी, बाप कराना चाहता है, माँ। वैसे भी आप देखिए तीन बेटा दो बेटा, शनि में बेटा करना चाहता है, बाप नहीं कराना चाहता, माँ कराना चाहती है, घर में झगड़ा पड़ गया, जीत तो मम्मी जाएगी ऑब्वियसली बात है, तो बात है सब घरों में देख लो, उसमें ये देखने की जरूरत है, लेकिन काफी कलेश मचे, इसका मतलब शनि पॉजिटिव तो है लेकिन काफी तकलीफ के बाद शादी करेगा, ठीक है। अब मून पे आ जाते हैं, बेटा करना चाहता आ गए सर, नहीं नहीं मैं गया ही कल सवेरे, अच्छा बेटा शादी करना चाहता है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी अब पापा के भी चलने का वक्त आ गया, तो कुछ पापा के भी चल जाएगी, तो आपको क्लियर हो गया विच आर दी प्लान, विच आर स्ट्रॉन्ग फॉर मैरिज, विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर मैरिज, विच आर पॉजिटिव, विच आर नेगेटिव, विच सिग्निफाई वर्ड, वो आप एक साइड में लिख सकते हैं कि केतु इज पॉजिटिव, राहु इज पॉजिटिव, सन इज पॉजिटिव, मरकरी इज पॉजिटिव, सैचन इज पॉजिटिव बट वीक, ठीक है, इसलिए मैं हल्का सा रेड कर दिया, और जो रेड वाले होंगे वीनस जुपिटर मून मार्स जितने भी अच्छे ग्रह होते हैं वो देखें। ये जो सीक्वेंस बनाया आपने बेटा पापा मम्मी इसी सीरीज से चलेगा ना सभी के लिए? हाँ सब सब घर के अंदर से चलती जो समझेंगे ना तो वो सबसे स्ट्रांग होगी, तो इस सीक्वेंस से हम वो सेस करेंगे ना, पैरेंट नक्षत्र सब रहते हैं, ठीक है, वैसे ही कर, या आप ये कर लो सबसे नीचे मतलब जो जो ट्रेन होती है उसके अंदर नीचे वाला फ्लोर सभी लेना चाहते हैं, मतलब सॉरी नीचे वाली बर्थ, मिडल की बर्थ और टॉप वाली बर्थ, बीच वाली बर्थ वाला तो पिसता ही रहता है बाप, सही कर, तो आप किसी भी तरीके से असेस करते हैं पिछलेगा तो बीच का, ठीक ठीक है ना, इन ग्रहों में जो आपस में भी वो केतु शनि स्ट्रांग होता है, पढ़े लिखे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होती है, झुग्गी वाले की अच्छी होती है, इसकी बात मत करो आप, अनपढ़ आदमी कमा लेगा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं कमा सकता सर, पढ़ लिख के आप पीएचडी का छोले भटूरे की दुकान नहीं खोल सकता, अनपढ़ आदमी छोले भटूरे की दुकान खोलेगा, वो तो बड़ा बिग जॉइंट खोल ले, पीएचडी वाला पीएचडी होता है, पीएचडी इसलिए किया छोले भटूरे के लिए, वो कमा नहीं सकेगा, एजुकेशन का प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, प्रोफेशन का मैरिज से कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन का मैरिज से कोई लेना देना नहीं, मैरिज का सियाणेपन से कोई लेना देना नहीं, किसी भी इवेंट का किसी भी इवेंट से कोई लेना देना, ठीक है ना, तो प्लैनेट किसी भी चीज के लिए बुरा अच्छा स्ट्रांग वीक हो सकता है,
स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट वो जो आपको बढ़ाते हैं, बला बल विचार, एग्जाल्टेड अष्टवर्ग तो नहीं, जो हम सिर्फ अभी एक तो बात करते हैं बाल्यकाल वृद्धकाल एक्सेट्रा, फिर हो गया नत्थो नत्था पर, स्थान पर, दिक पर, धृक पर, उच्चाधि पर, काल पर, चेष्टा पर, उसके बाद तू मेरा पर, मैं तेरा, तू मेरे को देख, तू मेरे, उसके बाद तो भूल ही जाता है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ, पता नहीं। बल फॉर वट, जितने बड़े बड़े हुए हैं उनके सबके बाल निकल जाते हैं, आपके 26 इंच का भी हो, अगर दो गर्लफ्रेंड्स वो दोनों कट्ठी आ गई तो सारे बाल निकल जाते हैं। मिस्ट्रेस है किसी की तो उसका सारा बल क्षीण हो जाता है किस दिन, करवा चौथ वाले दिन। लव फेयर का बड़ा बल है लेकिन उस समय वो लव फेयर वाला बल खत्म हो जाता है। सर क्या होता है पता नहीं। तो प्लैनेट कोस कौन सी चीज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है अभी, क्योंकि हम मैरिज और नो मैरिज के पॉजिटिव नेगेटिव हो गए हैं। एजुकेशन में ये बदल जाएंगे, एजुकेशन में सेवन ब्लैक हो जाएगा, सेवन का कोई लेना देना नहीं एजुकेशन से, टेन का कोई लेना देना नहीं मैरिज से, एजुकेशन से ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन अवार्ड लेने के लिए तुरंत आ जाएगा, टेन ग्रीन हो जाएगा, ये टेन जो है ये अवार्ड लेने के लिए ग्रीन हो जाएगा, प्रोफेशन के लिए ग्रीन हो जाएगा, मैरिज के लिए रेड है, मैरिज के लिए रेड है उसके लिए ग्रीन हो जाएगा। तो उसका स्ट्रेंथ मैरिज के लिए जीरो है, नेगेटिव है, और प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव। ठीक है, अब वापस आते हैं, ये हमने लिख लिए। अब हमने क्या किया, अब हमने दशा मुक्ति अंतर देख लिया। सपोज दशा इज सैटर्न एंड जुपिटर, मैरिजेबल एज से देखेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो आगे से जाएंगे, मतलब बड़ी उम्र से देखेंगे, कम पढ़ा लिखा होगा तो पहले से देखेंगे। ठीक है ना, सैटर्न क्या है वीक, जुपिटर क्या है नेगेटिव, दैट मीन्स सैटर्न जुपिटर कैन नॉट मैरी। उसके बाद मरकरी की दशा शुरू हो जाती है, मर्करी इज पॉजिटिव या नेगेटिव, मर्करी इज पॉजिटिव बट वीक, शनि से तो ताकतवर है लेकिन उतना ताकतवर नहीं है जितने केतु सन राहु है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिखे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, केतु सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, केतु राहु सन उससे कमजोर है। ठीक है ना, मर्करी मर्करी केतु इज पॉजिटिव, मर्करी मर्करी केतु इज पॉजिटिव। ये बेटा शादी नहीं करना चाहता, पापा चुप करके बैठे करो ना करो, मम्मी कहती है कर दो, बेटे को घर में आके मम्मी की सुननी पड़ेगी, बाहर जाके नाना करता रहा मैं घर जाऊंगा ना मैं मानूंगा नहीं। हस्बैंड भी घर में अपने दोस्तों के साथ बोलता है जितना मर्जी भाई कपड़े नहीं धोऊंगा, घर में आते ही सबको पता। ठीक है ना, सब लड़ में आ जाएगा तब पता चलेगा कितनी आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना जी, कितना बड़ा बदमाश हो जेल में बंद रहता है तो फिर सीख चौके अंदर कितना बड़ा सब लड़ तो सर शास्त्री जी आए थे, मैंने साइलेंट पे किया था फोन, वो छह कॉल की उन्होंने, मैंने बैक कॉल किया तो वो जा चुके थे। चलो मैंने लड़के को भी भेजा था नीचे, वो भी पता नहीं आया, बस इधर उधर निकल गए वो कहीं। अब इसके बाद क्या कि मर्करी मर्करी केतु विल गिव मैरिज, व्हाई, मर्करी में 211 है, 7 नहीं आया, केतु में 7 भी आ गया, तो तीन ये मर्करी मर्करी केतु मिला के एक तो 2-7-11 पूरा हो गया। दूसरा ऐसा मर्करी 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 में कभी भी कोई मेजर इवेंट लाइफ लाइफ नहीं होती, जैसे केतु 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 वीनस 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 सन सन सन, ये एक रूल आप मान लीजिए
मेजर इवेंट ऑफ लाइफ की होगी। मेजर इवेंट ऑफ लाइफ क्या होती है कि जैसे किसी की पहली मैरिज है तो ये मेजर इवेंट ऑफ लाइफ, आठवीं मैरिज है तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो मेजर इवेंट ऑफ लाइफ नहीं है ना, वो तो रूटीन है। इस तरह से एक कार खरीदी है बट उसका कार खरीदता रहता है, मल्टी मिलियनेयर है। डीएलएफ के लिए प्रॉपर्टी परचेज करना, देखिए कि आम इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदो, ठीक है, तो वो ऐसे भी नहीं होगी केतु केतु की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई लेना देना। तो इसलिए मरकरी मरकरी के बाद एक जरूर चाहिए, तो मरकरी मरकरी केतु के भी मैरिज। तो ये इस तरीके से देखी जाती है, आपको समझ आ गई सब, आप किसी को सवाल है तो वो पूछ सकते। खाना लग रहा है अभी? हाँ नहीं, मैं अभी यहीं बंद कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट कि सर जब मतलब ये आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मरकरी में केतु जब चलेगा, एसी तो चला नहीं रहा था, खाली हवा चला रखी है, मरकरी मरकरी में जब एसी चलेगा तो आएगा तब उस समय ये घटना घटेगी। हाँ जी, हमें दशा भक्ति अंतर ही, हाँ जी दशा भक्ति अंतर सहमति का होता है, और यहाँ में हमें सिर्फ रेड ग्रीन देखते बेसिकली। अभी तक मैंने जो इतना सब कुछ पढ़ाया था पीछे, वो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस पढ़ाई, उसका यूज कैसे कहा होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि मरकरी मरकरी केतु और शनि शनि जुपिटर में शादी, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दैट आई विल एक्सप्लेन, उसको भी हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको यूज नहीं करेंगे। सर अपनी वाली दिखते थे ना कि उसमें कलर आता है? हाँ जी दे नहीं तो बैक है। कोई क्वेश्चंस? क्लियर है? ये कोई भी नहीं है, नहीं क्लियर है। आपको ये वाला समझ में आया? ये जो ग्रीन रेड आप नंदी जी आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो मुश्किल है। पहले वाला समझ में आ गया था, प्लैनेट्स एंड साइंस, वो भी वैसे आपके लिए काफी फास्ट है, वो एक जनरल सा कांसेप्ट है ना, इसमें पता ही नहीं है कि घर कैसे वो बना। एक्चुअली ये नंबर्स ऐसे आ गए हैं, इसका बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम ना, समझ में आएगा उसमें, अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी तो आपको समझ में आएगी वो बेस है। लेकिन ये नंबर्स में सिंपल है कि देयर आर सर्टेन ग्रीन एंड रेड फॉर एवरी इवेंट ऑफ लाइफ, और आपको रेड और ग्रीन देखने होते हैं, अगर रेड है तो बल्ले बल्ले, ग्रीन है तो थले थले, ओ सॉरी रेड है तो बल्ले, रेड है तो थले थले, ग्रीन है तो बल्ले बल्ले, बस और कुछ नहीं, बस इसी में खत्म रहती है। लेकिन इसके साथ जब फिर फर्दर मॉडिफिकेशन इसके साथ आती है कि मैरिड लाइफ के आगे जो होंगी उसमें थोड़ा सा, और आगे जो भी जो मैंने पढ़ाया था प्लैनेट्स वगैरह वो आपको यूज़ होंगे, अभी प्लैनेट और राशियाँ मैंने पढ़ाई थी वो भी आपको यूज़ होंगे। चलो एटलीस्ट आप इतने दूर से आप कुछ तो गेन कराइए। कितने देर में आ जाएगा? कोई काम कर रही है इसकी की नहीं है शुक्रवार को सब टॉयलेट जा रहा था ना? हाँ वो आवाज़ ठीक है, इसको बंद करते थे।